हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। तो देखिए दोस्त, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हमने आपको समतल तक यहां पर कंप्लीट कराया, अर्थात आपको हमने प्लेन तक चैप्टर को कंप्लीट कराया है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, ये आपका न्यू चैप्टर है, इससे हम बात करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन में पहले आपको जानना जरूरी है इंपॉर्टेंट फार्मूले को, तभी आप क्वेश्चन को सही से लगा पाएंगे। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्त, हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बात करें तो समतल सरल रेखा का जो समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, इस चीज़ को आपको देखिए। देखिए दोस्त, पहला आपको ये याद रखना है, यहाँ पर बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाली सरल रेखा की दिक को जो LMN है, तो उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पर बनेगा इक्वेशन, वो x-x1/L, y=y1/m है, इक्वल z-z1/n। कुल मिलाकर दोस्त, आपको इतना समझना है कि जो एक आपको इक्वेशन बनेगा, इसमें जब आपसे कहा जाएगा कि बिंदु x1 y1 z1, अब x1 y1 z1 की जगह पर 1 2 3 कुछ भी, यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं मानता हूं, ये चीज़ आपको दिया रहेगा और दिक को ज्याय भी आपको दी रहेगी, तो उस कंडीशन में आपको एक सममित रूप अर्थात इक्वेशन आपको सरल रेखा का ज्ञात करना होगा। ये सभी चीज़ें अभी आपको न्यूमेरिकल्स के बेस पर ज़्यादा आपको समझ में आएगी, अभी आप फार्मूले को जरूर देखते रहें। देखिए नेक्स्ट आपको दोस्त है कि यदि यहाँ पर x1 y1 z1 से गुजरने वाला रेखा का समीकरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं x-x1/A = y-y1/B = z-z1/C, जो यहाँ पर दोस्त आपको LMN दिख रहा था, वहीं पर आपको ABC यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त आपका दूसरा, यहाँ पर एक्स अक्ष का समीकरण, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक सरल रेखा का समीकरण है, देखिए ये सभी जो प्रोसेस होता है ये 3D में होता है, 2D का नहीं है, 3D में मामला है, अर्थात दोस्त इसमें तीन अक्ष होते हैं, एक्स वाई, आपको इसमें तीन अक्ष आपको मिलते हैं, XYZ अर्थात X, Y और एक आपका Z, इसमें तीन अक्ष होते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर होती है जो 3D की, तो यहाँ पर पहले आपको एक्स अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है। तो जब आप x अक्ष का समीकरण ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त, कि उस कंडीशन में आपको दिक को ज्याएँ क्या होंगी, 1,0,0 होंगी। और ध्यान दीजिए आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है दोस्त, फार्मूला आपका है x-x1/A है और नीचे BC आप जो देख रहे हैं, मतलब जो दिक को ज्याएँ हैं आपको कितनी मिल गई, 1,0,0 है। और जो मूल बिंदु, चूंकि ये आपका दोस्त क्या है x अक्ष का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो मूल बिंदु से होकर जाएगा ये दोस्त आपका क्या है, ये x अक्ष का समीकरण जब आप ज्ञात कर रहे हैं, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आपका z अक्ष है, ठीक है। जब वो आपका x अक्ष का समीकरण आप निकालेंगे तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, और आपको पता है जब मूल बिंदु से होकर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर आपके x, y, z तीनों क्या होंगे, शून्य होंगे, अर्थात जो x1 होगा, y1 होगा और z1 होगा, वो तीनों आपके शून्य होंगे अर्थात जीरो होंगे। और यहाँ पर आप जो दो दिक को ज्याएँ होंगी तो आपकी x का 1 होगा और y और z का 0 होगा। क्या होगा दोस्त, y और z का आपको 0 करना है, x का आपको 1 करना है। इसी प्रकार आपको आपसे अगर y एक्सिस का यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बताइए y एक्सिस का समीकरण आपका क्या होगा, तो y एक्सिस में आपको दोस्त दिक को ज्या आपका क्या हो जाएगा, y का मान आपको ओनली 1 रखना है, और यहाँ पर अर्थात ये आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका b का मान आपको 1 रखना है और a का मान भी आपका 0 और c का मान भी 0, ओके। तो यहाँ पर आपका 1 0 1 0 होगा, और ये आपको ये भी आपको दोस्त जब आपके y अक्ष का ज्ञात करेंगे तो ये भी आपका मूल बिंदु से ही गुजर जाएगा, तो इसका मतलब इसका भी x1 y1 और z1 इसका भी तीनों का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, x-0/0 = y-0/1 = z-0/0। तो देखिए यहाँ पर दोस्त आपको जो इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ था वो y = 0 आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ था y = 0 और यहाँ पर आपको क्या z = 0, लेकिन यहाँ पर आपको x = 0 और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, z = 0, मतलब x = 0 z = 0। जब आप y एक्सिस का ज्ञात करेंगे तो अब जैसे आप दोस्त जब 2D में आपने पढ़ा था तो आपसे जैसे पूछा जाता था कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो x अक्ष में होता था क्या दोस्त, आप x एक्सिस का बताने का मतलब उसमें बताते थे y = 0, मतलब ये x से जा रहा है तो इसमें y का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ y अक्ष का समीकरण आपसे पूछेगा तो x z को आपको 0 दिखा देना है, जिसका आपसे पूछ रहा है उसको छोड़कर जो बचता है उसको आपको 0 दिखा देना है। तो सिंपली यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, x-0/0 = y-0
अपॉन जीरो इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन वन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स का मान जीरो और वाई का मान जीरो, चूंकि ये जेड अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो इस प्रकार आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और दिक् कोज्या आपका क्या होगा दोस्तों, जीरो जीरो वन, जिसका आपको पूछ रहा है, जिसका ज्ञात करना समीकरण, उसको ओनली वन रखना है दिक् कोज्या में और आपको उसको दोनों को जीरो कर देना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए ऑन ए लाइन, अर्थात आपको लाइन पर कोई बिंदु स्थित है उसके निर्देशांक आपको निकालना है कोऑर्डिनेट। तो देखिए दोस्त, सरल रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए या एल वाई इक्वल टू वाई वन अपान एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान एन। तो ये आपका है, इसको इक्वल आर के दिखा दीजिए, किसके इक्वल, इक्वल इसके मतलब ये सभी जो इसकी वैल्यू है किसके बराबर हमने माना, ये आर की है। तो सिंपली इसको आप लिख सकते हैं दोस्त, एक्स माइनस एक्स वन जो दिख रहे हैं इसमें से एल को मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा, एल को एक बार आप एक बार इसको ले लीजिए, अर्थात यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये चीज़ दोस्त क्या होगा, एल इससे मल्टीप्लाई होगा आर से, तो एल आर हो जाएगा और ये आपका एक्स वन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एल आर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपको आर के इक्वल दिखाना है, अर्थात आर को एक्स वाई माइनस वाई वन अपान एम के इक्वल दिखाना है। तो सिंपली आपका एम क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई होगा तो एम आर हो जाएगा और आपका माइनस वाई वन जब इधर आएगा तो ये प्लस वाई वन हो जाएगा, अर्थात वाई इक्वल कितना आ गया, वाई वन प्लस एम आर। सेकेंड आपका थर्ड स्टेप दोस्त ये होगा कि यहाँ पर आप क्या है, नीचे आपको एन दिख रहा है, एन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर होगा और माइनस जेड वन इधर आएगा तो प्लस जेड वन होगा, इस प्रकार आपको जेड इक्वल टू प्राप्त हो गया जेड वन प्लस एन आर। तो यहाँ पर आपको ये इसी कहते हैं दोस्तों कि किसी रेखा मतलब रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन प्लस एल आर, वाई वन प्लस एम आर, जेड वन प्लस एन आर, ये तीन आपको पॉइंट्स प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर ये सभी कंडीशनें हैं, ये ज़्यादा चीज़ें आपको अभी मैं क्वेश्चन को पुटअप करूँगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। पहले आप देख लीजिए एक पॉइंट्स और यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है दोस्तों कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, आपने 2D में तो पढ़ा होगा, अर्थात टू डायमेंशन में तो आपने पढ़ा था वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ये सभी फार्मूले 2D में है, लेकिन यहाँ पर 3D की बात हम करते हैं। तो 3D में दोस्तों एक्स वन वाई वन जेड वन है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, दो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, वेरी सिंपल होगा क्या दोस्त, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ पर ध्यान से देखिए, x माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन, अर्थात सिंपल आपको ऊपर x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन लिखना है, नीचे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x2 को अर्थात x2 को x1 से माइनस करना है, y2 को y1 से माइनस करना है, z2 को z1 से माइनस करना है, इस प्रकार आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शाई गई है एक ही जगह पर, अर्थात यहाँ पर जो लिखा गया है ए, यहाँ पर आप नीचे की क्या लिख सकते हैं दोस्त, ये नीचे अर्थात इस पे ए लिख सकते हैं, इस पे आप बी लिख सकते हैं और इस जेड टू माइनस जेड वन की जगह पर सी लिख सकते हैं। तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स माइनस एक्स वन अपान ए वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार इसको इसलिए लिखा गया कि जो आपको पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन दिए गए हैं इसमें पुटअप करने के लिए। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ये आपको है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दो रेखाओं के अब कोण पूछ रहा है दोस्त, अगर दो रेखाएँ हैं, दो सरल रेखाएँ, उनके बीच आपसे एंगल पूछा जाए तो क्या होगा फार्मूला, ध्यान दीजिए। पहली रेखा आपकी दोस्त है x माइनस एक्स वन अपान ए वन, दूसरा और इसी प्रकार आपका y माइनस वाई वन अपान बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी वन। सेकेंड आपकी है दोस्त, उसमें क्या किया गया है, ऊपर सब सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम का मतलब यहाँ पर x माइनस एक्स टू अपान ए टू होगा, y माइनस वाई टू अपान बी टू होगा, जेड माइनस जेड टू अपान सी टू होगा। दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, मतलब दो यहाँ पर आपको रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच कितना एंगल होगा ये चीज आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर इसके फार्मूले की ओर। तो देखिए दोस्त होता क्या है, इसका फार्मूला ऑलरेडी हमने इस चीज को बताया, ये फार्मूला ज्यादा पुटअप होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस सी वन सी टू अपान अंडर रूड ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ पर डिनोट ऐसा किया गया है। तो अगर आपको दो रेखाओं के बीच एंगल निकालना है तो इस फार्मूले को याद रखिए, समतल में भी हमने इस फार्मूले को आपसे इंडिकेट किया था, अगर आपको आपने वीडियो देखा होगा या आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को याद होगा आपको। अब देखिए कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे परस्पर लंब होगी और परस्पर समांतर, अर्थात जब परपेंडिकुलर और पैरेलल में कंडीशन की बात कर रहे हैं।
तब यहाँ पर आपका दोस्त जब परपेंडिकुलर था लंबवत होंगे एक दूसरे के, अर्थात जो रेखाएं हैं अगर वो 90 डिग्री पे हैं लंबवत हैं, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला बनता है वो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल जीरो, इक्वल जीरो होता क्या दोस्त, कॉस 90 का मान यहाँ पर जैसे आप 90 डिग्री आप होगा क्योंकि लंबवत होंगे तो कॉस 90 होगा, कॉस 90 का मान कितना होता है जीरो, जब जीरो होता है तो ये जो पूरा पार्ट है ना तो इससे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो है इसलिए पूरा पार्ट जीरो बचेगा क्या दोस्त, यहाँ पर ओनली ऊपर वाला बचेगा A1A2B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू जीरो परस्पर लंबवत कंडीशन में जब परपेंडिकुलर होंगे। अब पैरेलल कंडीशन में बात करें अर्थात परस्पर समांतर हैं, तब समांतर में आपको सदैव रखना है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये पैरेलल में होते हैं, तो लंबवत और पैरेलल का आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन कैसा है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि इसमें कॉस 90 आप रखेंगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा इतना। दूसरे वाले को आप ये रखना है कि A1 अपान A2 अर्थात A1 ऊपर होगा नीचे जस्ट A2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमन कुछ चीज़ें यहाँ पर कंपेरिजन करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं दोस्त, यहां पर एक दिया है कि रेखा तथा समतल के बीच कोण, अभी आपने रेखा रेखा के बीच ध्यान दीजिए, अभी दो रेखाओं के बीच आपने एंगल निकाला था, अब यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर देख सकते हैं, ये है और ये रेखा है, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला आप ये जो देख रहे हैं दोस्त, ये समतल है और ये आपकी रेखा है, इसके बीच कितना एंगल होगा ये आपको निकालना है, जैसे देख सकते हैं एंगल थीटा यहां पर जैसा माना जा रहा है तो कितना होगा ये चीज आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त, हमने माना कि ये आपका क्या है x-x1/l इक्वल टू y-y1/m इक्वल टू z-z1/n एक सरल रेखा है, ठीक है। और आप समतल का समकल क्या होता है, समतल आपने जस्ट अभी पढ़ा है दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिया आपको, 62 प्लस 63 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, तो आप वीडियो लगातार देख सकते हैं और अपना मैथमेटिक्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर ax प्लस by प्लस cx प्लस d इक्वल जीरो आपको दिया गया है और इनके बीच थीटा कोण बनाती है समतल और सरल रेखा। तो अब आपको देखिए, और देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है दोस्त, ये समतल है और ये आपकी क्या है अभिलंबवत रेखा, ये आपका 90 डिग्री पर इस पर है, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये थीटा है और जो ये एंगल बन रहा है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये चीज़ आपको थीटा निकालना है कितना एंगल होगा, ठीक है। तो सिंपल हमको करना क्या है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कॉस 90 माइनस थीटा निकालना है, अर्थात यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, चूंकि आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, फार्मूला क्या पता है दोस्त, ये फार्मूला यही आपको जैसे पता है कॉस थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा हुआ, चूंकि ये जो आप थीटा देख रहे हैं, ध्यान दीजिए जो आप यहाँ पर थीटा देख रहे हैं वो यहाँ पर ऊपर वाली जो देख रहे हैं वो 90 माइनस थीटा, अभिलंबवत से समतल का कितना है वो आपके 90 माइनस थीटा है, तो सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अभिलंब से आप देख सकते हैं समतल के अभिलंब के बीच कोण 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया साइन थीटा हो गया, और ऊपर आपका AL प्लस BM प्लस CN अपान अंडर रूट A²B²C² इंटू अंडर रूट L² + M²N² ये कैसे हुआ है दोस्त, ये आपका ऊपर हो या नीचे ऐसे हुआ है कि आपको पता है A1A2 होता है प्लस B1B2 होता है प्लस C1C2 होता है, तो A1A2 कौन है, देखिए आप इसको A1 ले लीजिए, ठीक है, आपको इसका x का अर्थात ये समतल जो है इसका A आपका A1 हो गया और ये आपका जो सरल रेखा का L है वो आपका A2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर A × L हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपका B है और यहाँ पर M है तो ये B1B2 हो गया इसलिए BM हो गया, प्लस आपका क्या है CN, CN का मतलब दोस्त क्या हुआ, ये आपका x का जो पार्ट आपका बचा है अर्थात यहाँ पर CZ होगा दोस्त, ये आपका जो यहाँ पर क्लियर दिख दीजिए ये CZ है, ठीक है, मिस्टेक इसमें लिखा है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर C और N से मल्टीप्लाई होगा तो CN होगा, तो A1 A2 आपको पता चल गया दोस्त, ये A1 है तो ये A2 है, ये B1 है तो B2 है, ये आपका Z वाला पार्ट C1 है तो ये Z के नीचे वाला N जो आपका है वो C2 है, तो सिंपली उसी प्रकार यहाँ पर नीचे आपको करना है A1² B1² C1² तो मतलब ये जो आप देख रहे हैं पहला वाला इक्वेशन समतल का उसमें A² + B²
स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको ए वन ए टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर सी टी स्क्वायर लिखना है, तो जो नीचे आप देख रहे हैं एल एम एन, इसको अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर लिखना है। तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू अगर आपका रेखा समतल के साथ एंगल जो बनाता है उसको आप निकाल सकेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू ए एल बी एम प्लस सी एन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो रूट के अंदर आपका यहां पर इतना दिया गया है। अब नेक्स्ट आपका दोस्त ये है कि दिए गए बिंदु से रेखा की लंब दूरी, अर्थात जो आपका बिंदु दिया गया है किसी दिए गए बिंदु से रेखा की लंब दूरी अगर आपको निकालना है तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला तो आपको ऑलरेडी सरल रेखा का पता है, एक्स माइनस अल्फा अपान ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान बी इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान सी इक्वल टू आर, ये आपका क्या होता है इक्वेशन होता है। इसके बाद यहां पर ये समझना है आपको दूरी निकालना है। तो देखिए होता क्या है दोस्त, आपको यहां पर ये समझिएगा। तो देखिए दोस्त रेडियस का जो फार्मूला आपको प्राप्त होगा वो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, आर इक्वल टू ए एक्स वन माइनस अल्फा। पहले एक चीज समझ लीजिए, यहां पर जो पी पॉइंट से आपको जहां से आपको पी पॉइंट से रेखा के बीच की आपको दूरी निकालना है, पी पॉइंट के आपको निर्देशांक आपको कोऑर्डिनेट्स दिया गया है दोस्त एक्स वन वाई वन जेड वन, और क्यू पॉइंट्स का आपको यहां पर आप देख सकते हैं क्यू पॉइंट्स का अल्फा प्लस ए आर बीटा प्लस बी आर और गामा प्लस सी आर, तीन आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इनके बीच की जो दूरी निकालना है तो इसी के माध्यम से आप निकालेंगे। तो फार्मूला आपको दोस्त आपके सामने है कि आर इक्वल टू होता है ए इंटू एक्स वन माइनस अल्फा, अर्थात जो पॉइंट्स का एक्स वन है और इसका जो अल्फा है उससे माइनस करेंगे और ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्लस करेंगे, फिर बी है, बी का मतलब यहाँ पर आपका देखिए बी जो आपका यहाँ पर इक्वेशन में नीचे है, ठीक है, बी प्लस वाई वन उसका, अर्थात ये पॉइंट्स जो आपको दिया गया है इसका वाई वन, और माइनस करना क्या है दोस्त बीटा। उसके बाद प्लस सी जेड वन माइनस गामा अपान अंडर रूट नहीं दोस्त, इसमें सिंपल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए ये सभी जो आपको फार्मूले में बता रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल सभी क्लियर करूंगा तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। अभी आप फार्मूले को थोड़ा आप इसका ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा समझ सके कि फार्मूला कैसे आया। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की आज बात ही कर लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो रेखा इतने तथा समतल से मिलती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रेखा और समतल दोनों है, तो यहाँ पर उस पॉइंट्स के निर्देशांक याद करना है। तो पहला कंडीशन आपको क्या करना है, जो रेखा है आपको इस प्रकार लिख लेना है x माइनस वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपान टू इक्वल टू जेड प्लस टू अपान थ्री इक्वल क्या करना है r। हमने माना कि यह r के बराबर आपको सरल रेखा दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, एक्स वाई जेड का मान निकालिए, अर्थात अगर आप x इक्वल लिखेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस वन एक्स अपान वन इक्वल टू आर है। तो सिंपली यहां पर आप क्या करें, x की वैल्यू कितनी आएगी, r आएगी, चूंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगी। ठीक उसी प्रकार y की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू आर होगा, और ये माइनस वन उधर आएगा अर्थात ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस वन। वाई की वैल्यू कितना आ गया, टू आर प्लस वन। अब इसी प्रकार जेड की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्त कितना होगा, ये थ्री आर हो जाएगा, अर्थात ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा आर का, थ्री आर हो जाएगा, और फिर आपका प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आर टू आर और यहाँ पर आपको 2R प्लस वन और 3R माइनस टू, ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पर नियामक पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर आपने निकाला। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप दोस्त ये है कि 2X प्लस 3Y प्लस जेड जो कि समतल का समकरण है, अब अगर इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं पुट करते हैं और ये संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर आपका सेटिस्फाई करता है तो ये सही है। देखिए होगा क्या दोस्त, यहाँ पर आपने जो ये पॉइंट्स निकाले हैं अब इसको जो आपका समतल का समीकरण है उसके एक्स वाई जेड की वैल्यू पर रख दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे x की जगह पर x की यहाँ पर r पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप y की जगह पर क्या करेंगे 2r प्लस 1 पुट करेंगे, और सिंपली यहाँ पर आप ध्यान से देखें z की जगह पर आप क्या लिखेंगे 3r माइनस 2, 3r माइनस 2, मतलब यहाँ पर सिंपली लिख दिया कि ये सरल रेखा एक समतल तीन से बिंदु टू पर मिलती है, तो दो और तीन से। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पहले आपको सिंपली r दिखाना है, अर्थात आपको r इक्वल टू दिखा देना है इक्वेशन को, फिर x y z के इक्वल करके आपको जो निर्देशांक के मतलब उस बिंदु के जो नियामक पॉइंट ज्ञात करेंगे उसको आपको लिखना है, फिर आपको जो समतल है उसमें एक्स वाई जेड की जगह पर नंबर बाई नंबर यहाँ पर आप एक्स यहाँ पर आर जैसा हमने पुट किया उसी प्रकार रख देना है। अब इसको सॉल्व करके आपको r की वैल्यू निकालना है, तो जब सॉल्व करेंगे दोस्त ये 2r हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो 6r होगा, और ये अंडर होगा तो आपका प्लस 3, और यहाँ आपका 3r माइनस 2 होगा। यहाँ पर आगे दोस्त कुछ कैंसिल हो रहा है,
इसको देखते हैं, यहाँ पर 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 और आगे आपका 2 है तो कितना हो गया 11R, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 11R प्लस 1 इक्वल टू 0 और R इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल टू आपका आ गया दोस्त 1/11, कितना 1/11 माइनस 1/11 जो आया है ये आपका R की वैल्यू आई है। अब R की वैल्यू को क्या करना होगा, अब R की वैल्यू को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप इसके वैल्यू थे R 2R प्लस 1 3R माइनस 2 ये चीज़ आपको निकालना है, अर्थात अब कुल मिलाकर इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए कि R जो आपने माना था उसकी वैल्यू कितनी है, ये चीज़ आपको प्राप्त करना है। तो R सिंपली पहले में तो आपका R है तो वही आपका माइनस 1/-1/11 ही होगा दोस्त, माइनस 1/11 ही होगा, और अगला 2R प्लस 1 है तो मतलब 2 और R की वैल्यू -1/11 और फिर प्लस 1, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने का मतलब ये आपका इधर होगा प्लस 11 और ये आपका माइनस 2 होगा, तो आपका बचेगा क्या दोस्त प्लस 9/11। इसी प्रकार z का आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3R माइनस 2 अर्थात 3 माइनस 11 माइनस 1/11 माइनस 2, तो सिंपली इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका -22 और इधर आपका दोस्त देख सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 22 माइनस 22 और ये माइनस 3 आपका -25/11 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, x का मान -1/11 आया, y का मान कितना आया दोस्त 9/11 आया, z का मान कितना आया -25/11। ओके, तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एक अभीष्ट बिंदु -1/11 का मान 9/11 का मान -25/11, यही चीज आपको यहां पर ज्ञात करना था, तो आपका आंसर आ चुका है। आपसे यही पूछा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा और समतल से मिलती है, तो आपको करना क्या था जो हमने आपको क्लियर बताया, इस चीज को फिर से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि सरल रेखा x प्लस 1/3 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/4 तथा समतल 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल 0 के बीच कोण कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। मतलब जो अभी हमने जस्ट आपको फार्मूला बताया था कि रेखा और एक समतल के बीच यहाँ पर एंगल जो होता है आपको कैसे निकालना होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सरल रेखा और समतल के बीच कोण थीटा मानते हैं, तो आपका फार्मूला अभी हमने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्त, ए बी सी की वैल्यू आपको प्राप्त करना है, एल एम एन की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एज का मान कितना होगा 2 होगा, अर्थात जो ये समतल है इसका फार्मूला दोस्त क्या होता है आपका, यही तो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल जीरो, समतल का यही समीकरण होता है, तो इसमें ए बी और ये सी तीन चीज आपको यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका ए का मान कितना है 2, बी का मान 1 और सी का मान -3, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई, ठीक है, ये तीन चीज़ आपको प्राप्त होगी ए बी सी की वैल्यू। अब एल एम एन का मान ज्ञात करना है, तो एल एम एन मान आपको यहाँ पर दिया है दोस्त, ये जो नीचे वाला आपको 3 है ये एल है, ये 2 आपका एम है और ये आपका एन है, ठीक है, तो सिंपली यहां आपको एल एम एन की वैल्यू हो गई और ए बी सी की वैल्यू सभी प्राप्त हो गई। सिंपली यहां पर आप लिख दीजिए यहां पर ऊपर वाले में ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, तो ए एल मतलब यहां पर ए की वैल्यू कितना है 2, एल का मतलब 3, तो 2×3 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा दोस्त यहां पर बी की वैल्यू 1 है और यहां पर आपका एम की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1×2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं सी का मान कितना है -3 है और यहां पर एन का मान 4 है, तो आपको -3+4 हो जाएगा, -3×4 और अपान में हो जाएगा, अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए बी सी क्या है दोस्त, जो आपने ये आपका समतल का समीकरण है इसमें आपका जो गुणांक होता है एक्स का वो ए होता है, वाई का बी होता है, जेड का गुणांक सी होता है, तो ए बी सी का होल स्क्वायर करना, अर्थात यहां पर आपका देख सकते हैं ए बी सी ये आपको लिखा है 2² + 1² प्लस -3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं एल एम एन का, एल एम एन की वैल्यू नीचे होती है, एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, एम की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू कितनी है दोस्त 4 है, तो एम 3² + 2² + 2² + 4² ये आपका स्क्वायर हो गया नीचे, ठीक है। अब ऊपर आपका क्या होगा दोस्त, यहाँ पर 2 + 3 = 6 होगा प्लस 2 होगा तो 8 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, 4 + 3 = 12 -12 हो जाएगा, तो सिंपली आपका कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा। और नीचे आप ध्यान दीजिए आपका 3 त्रिक के यहाँ पर 9 और 9 × 4 = 13 = 14 अर्थात अंडर रूट 14 ये आया आपका, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 यहाँ पर आपके 16 + 4 कितना होगा 20 और 20 + 29 कितना हो गया यहाँ पर अंडर रूट 20
प्लस यहाँ पर आपका कितना होगा 929 हो गया। तो आपका रूट के अंदर 14 प्लस 29 इनटू रूट 29 आया और ऊपर आपका यहाँ पर कितना आया -4। इसको दोनों क्या करिए दोस्त, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर रूट्स को अंदर किया गया तो यहाँ पर आ गया रूट 406 आया आपका, कितना अंडर रूट 406 -4 अपान अंडर रूट 406 ये आ गया। और थीटा का मान आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको थीटा का मान दिख रहा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -4 अपान अंडर रूट 406। बात इतनी सी है, कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर आंसर इस प्रकार से कैसे, मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है ये हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि आपको आंसर ही -4 अपान अंडर रूट 406। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा इन सभी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगाइए कि कोई भी कंफ्यूजन आपसे ना रहे। आप जब फार्मूला सही पुटअप करेंगे, डायरेक्शन सही लगाएंगे तो क्वेश्चन कभी गलत होने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लगाते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूले क्वेश्चन है मैं आपको इंडिकेट करूंगा। पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा, जरूर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।